सब्सक्राइब करने के लिए करियर गाइड के रेड बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है इस वीडियो में और मैं आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज मैं पटवारी के कट ऑफ के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि पटवारी का जो कट ऑफ है, लोग बोल रहे हैं 80 पे जाएगा, 75 पे जाएगा, कुछ भी बातें चल रही हैं। लेकिन मैंने एनालिसिस किया है काफ़ी, और उसके बाद जो मैंने एक डिसीजन, मतलब मैंने अपना एक ओवरव्यू बनाया है कि जनरल के लिए कितना कट ऑफ जाएगा और एससी एसटी ओबीसी के लिए कितना कट ऑफ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, फॉर्म भले ही जो है 10 से 12 लाख डाले थे, लेकिन उनमें से 10 लाख तो फॉर्म ऐसे थे जिन्होंने कोई तैयारी नहीं थी, बस ग्रेजुएशन था, कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा नहीं था, फॉर्म डाल दिया। तो इससे ये साबित नहीं होता है कि कट ऑफ 80 से ऊपर जाएगा, या क्योंकि मैंने भी कई अपने जितने सर्कल में लोगों से मालूम किया तो बहुत कम लोगों के, 1-2-3 लोगों के ही जो है 70 से ऊपर नंबर आए हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो लोग तैयारी कर रहे थे काफ़ी, कम से कम एक साल से, या वो भी किसी पीएससी, एमपीए, पीएससी, एसएससी वगैरह की तैयारी जो कर रहे थे, उन लोगों ने इसको तैयारी की है, तो उनके तो 70 पार हो गए होंगे। लेकिन जो केवल 3 महीने से तैयारी कर रहे थे, मतलब इन्होंने तैयारी तो की है लेकिन थोड़ी बहुत तैयारी की है, तो उन लोगों का जो एवरेज निकला है वो उनके 60 से 70 के नीचे ही है, 60 से 70 के बीच में मतलब। तो ऐसे में ज़्यादातर लोगों ने अभी तैयारी शुरू की थी, तो उन लोगों के 60 से 70 के बीच में आए, और जो लोगों ने ऐसे ही डाल दिया बस उठा के चले गए, तो उनके 60 के नीचे रह गए, यानी कि 50 और 60 के बीच में हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जनरल की जो लिस्ट गिर सकती है वो 74 से 76 तक आ सकती है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये मेरा बस एक अंदाज़ा है। और जो ओबीसी की है उनकी 72 से 74 के बीच में रह सकती है, लेकिन एससी एसटी को ये हमेशा 65-67 के बीच में रह सकती है। अब इसमें आप 2-2 नंबर 3-3 नंबर ऊपर नीचे कर लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये मेरा सिर्फ एक अंदाज़ा है, मेरे पास कहीं से कोई डेटा नहीं आया कि मैं उसके बेस पे बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा अपना कैलकुलेशन है, क्योंकि मैंने कई जगह से मालूम किया लोगों के 65-68-67-70 से नीचे ही नंबर आ रहे हैं, और जिन लोगों के आए उन्होंने काफ़ी तैयारी की थी और काफ़ी नॉलेज था, तो मतलब 100 में से 4-5 लोगों के ही जो है इतने नंबर आए हैं। तो आप बस उम्मीद रखिए, अगर आप 74 के नीचे हैं तो हो सकता है बेटिंग में आ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ होगा आपका, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं